नमस्कार। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम संस्कृत के एक नए विषय के साथ फिर से तैयार हैं, नई ऊर्जा के साथ और नई लगन के साथ। आज हम पाठ चार का अनुवाद समझेंगे। पाठ चार के अनुवाद में विद्यालय के विषय में बताया गया है। विद्यालय क्या है और विद्यालय में हम क्या करते हैं? आप सभी भली भांति परिचित हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहां छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही एक विद्यालय के विषय में इस पाठ में बताया गया है। मैं आपको बताऊं कि यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए है और हमें इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के लिए कहने से अभिप्राय है कि इस पाठ में से हमारे केवल अपठित और पठित गद्यांश ही पूछे जाते हैं। इस पाठ को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक, इसका नाम है चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ विद्यालय। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। एषः यह विद्यालय, विद्यालय। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः, यहाँ छात्र और शिक्षक, शिक्षिकाः च सन्ति, और शिक्षिकाएं हैं। च कहते हैं और सन्ति हैं बहुवचन के लिए। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यहाँ संगणक अर्थात कंप्यूटर प्रयोगशाला भी है, जिसे आप कंप्यूटर लैब कहते हैं। कि यह एषा संगणक प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, इसमें कंप्यूटर के यंत्र हैं। इसमें कंप्यूटर के यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान अर्थात बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। पुष्पाणि बहुवचन, बहुत सारे, कि बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर हम खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब इन तीन पैराग्राफ में हमने समझा कि हमारे विद्यालय में क्या क्या है, शिक्षक, छात्र और शिक्षिकाएं हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमने जाना कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की जो है वो लैब है, कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। और तीसरे पैराग्राफ में हमने जाना कि हमारे विद्यालय में बगीचा है। अब एक बार फिर हम इसे समझेंगे। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति, अत्र यहाँ छात्राः बहुत सारे छात्र, शिक्षिकाः बहुत सारे शिक्षक, शिक्षिकाः बहुत सारी शिक्षिकाएं, च और सन्ति है, यहाँ बहुत सारे छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। दूसरे पैराग्राफ में एषा संगणक प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक अर्थात कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ बहुत से कंप्यूटर के यंत्र हैं। यंत्र मतलब कंप्यूटर को ही हम कहते हैं, कि यहाँ बहुत से कंप्यूटर के यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, एतत् यह, अस्माकं हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय का, उद्यानम् उद्यान है, बगीचा है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में पुष्पाणि बहुत से फूल हैं। पुष्प के रूप भी हमने जैसे शब्द रूप सीखे थे, फल के शब्द रूप की तरह पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, एक पुष्प, दो पुष्प, बहुत सारे पुष्प, अर्थात जब हम पुष्पाणि की बात करते हैं तो बहुत सारे, बहुवचन। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान बगीचे में बहुत से फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम इसमें पढ़ते और खेलते हैं।
गद्यांश के अंतर्गत जब हम से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश से ही छांट कर लिखने होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये तीन प्रश्न पढ़ाए और इनसे आपसे ये पूछा जाए कि संगणक प्रयोगशाला में क्या था, तो संगणक प्रयोगशाला में संगणक यंत्राणी, संगणक प्रयोगशाले शालायाः संगणक यंत्राणी संति। कुत्र पुष्पाणि संति, फूल कहाँ थे, उद्याने पुष्पाणि संति, आपके तीसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर है। तो इस प्रकार जब हम पठित गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटते हैं तो हमें उनके उत्तर उसी पैराग्राफ में मिलते हैं, उसी गद्यांश में मिलते हैं, जिस प्रकार हम हिंदी और इंग्लिश में भी ये कार्य करते हैं। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बड़ी आसानी से, बस थोड़े से ध्यान से हम इस कार्य को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। एक बार इस पाठ के कुछ शब्दार्थ, कुछ मेन शब्दार्थ मैं आपको समझाऊंगी। जैसे संगणक, संगणक अर्थात कंप्यूटर, प्रयोगशाला जहां प्रयोग किए जाते हैं, एतानी यहां, इसमें शिक्षिका अध्यापिकाएं, शिक्षक अध्यापक, छात्र यानी कि छात्र, और अस्माकम हमारा, विद्यालयस्य विद्यालय का, पुष्पाणि बहुत से फूल, क्रीड़ा में खेलते हैं, पठा में पढ़ते हैं। आज की कक्षा के लिए हम केवल इतना ही समझेंगे और इसे बार बार पढ़ने का भी प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।